स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए ये क्या है आपका स्टूडेंट, जो आप ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं लाइक ये आपका आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये बहुत ही बेसिक आपका एक कंसेप्ट है मैथ्स का जो आपको पता है, बट यहां पे इसको एक अलग ही तरीके से आपको बताया गया है। आप सब लोगों ने डिवीजन किया होगा राइट, हम जानते हैं डिवीजन क्या होता है। इसमें एक डिविडेंड होता है, एक डिवाइजर होता है, एक आपका रिमाइंडर होता है, एक आपका कोशेंट होता है राइट। सो यहां पे आप जो लाइन पढ़ पा रहे हैं पहला क्या है, इट इज बेसिकली द रीस्टेटमेंट ऑफ द यूजुअल डिवीजन सिस्टम, कि जो हमारा एक यूजुअल डिवीजन सिस्टम है जिसको हम यूज करते आ रहे हैं उसी का एक रीस्टेटमेंट है, उसको अलग तरीके से एक अलग वे में दिखाया गया है। देखिए क्या है यहां पे, क्या है फॉर ईच पेयर ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, सपोज करते हैं कि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, वन इज ए एंड अनदर वन इज आपका बी। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि जो आपका दो इंटीजर राइट एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर, ये दो मेरे आई मीन कोई भी होल नंबर है, कोई भी नंबर राइट होल नंबर विच सेटिस्फाई द रिलेशन, कौन सा रिलेशन जो आप यहां पे देख रहा है। अब ये रिलेशन क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, वे आर इज आपका लेस देन बी जो आपका बी दिख रहा है इसमें एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो राइट। सो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। अब ये रिलेशन है क्या, पहले हम उस बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट यहां पे अगर मैं एक नॉर्मल डिवीजन लेता हूं तो जैसे कि मैंने लिखा यहां पे दैट इज फाइव और मैं डिवाइड कर रहा हूं उसको टू से, कि लेट्स सपोज सेवन लेते हैं, यहां पे हमने सेवन लिया और मैं टू से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड करने पे आपको यहां पे थ्री आएगा, दैट विल बी सिक्स एंड दैट विल बी वन राइट। सो यहां पे ध्यान से देखिए ये मेरा क्या है डिवाइजर, ये क्या है मेरा डिविडेंड, ये क्या है मेरा क्वेश्चन, ये क्या है मेरा रिमाइंडर राइट। सो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं किस तरह लिख सकता हूं, दैट विल बी आपका सेवन इज इक्वल टू आपका टू इंटू में थ्री प्लस में वन। सो यहां पे जो आपको दो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बताया गया था दैट इज ए एंड बी राइट, ए जो आप यहां पे देख पा रहे हैं फर्स्ट में और बी जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, तो यहां पे जो आप क्यू और आर देख पा रहे हैं दैट इज कोशेंट एंड रिमाइंडर। सो इसका मतलब बी क्या हुआ आपका, दैट विल बी डिवाइजर। सो इस अगर मैं सेम इक्वेशन यहां पे लिखता हूं, ध्यान से दीजिए, ए इज इक्वल टू दैट विल बी बी क्यू प्लस में आर। सो अब आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि फॉर ए एंड बी फॉर दीज टू नंबर क्या यहां पे आपका क्यू एंड आर है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि जो आपका डिविडेंड होगा दैट विल बी इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस में आपका रिमाइंडर। सो ये एक बेसिक थ्योरम है जो आपको यहां पे हमें जानना है, बट वो हमें किस वे में जानना है अभी हम वो जानते हैं। सो यहां पे तो आपको पता चल गया कि हमें क्या है कि हमें ये डिवाइड करना है ऑल, तो हमें अगर कोई पेयर दिया हुआ है सपोज करो, जैसे कि आप यहां पे एग्जांपल देख पा रहे हैं यहां पे क्या, लेट्स सपोज कि हम एक पेयर लेते हैं आपका 17 का और आपका 6 का राइट। सो ये जो पेयर है आपका जो क्या यहां पे ए आपका बी दिख रहा है आपको किस तरह से राइट। सो ये जो पेयर है आपका इसमें ध्यान से देखिए एक बार कि इसको मैं किस इन दोनों पेयर को मैं किस तरह लिख सकता हूं, आपका जो होता है सिक्स टू द कितने होते हैं आपके
12 होते हैं, राइट. सो आई कैन राइट 17 इज इक्वल टू 6 इनटू 2 प्लस में 5, जैसे कि हम यहां पे देख पा रहे हैं ये वाला, राइट. सो फॉर दीज टू पेयर ऑफ नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स जो कि आपको यहां पे ए और बी, तो इसमें इसको मैं ए मान लेता हूं और ये मेरा बी, तो इन दोनों को मैं इस तरह से, यानी कि आपका ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आपका आर की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं. सो ये आपका एक तरह से रीस्टेटमेंट है जो आप नॉर्मल डिवीजन करते हो उसका. आप देखेंगे इसमें वेयर ए इज ए डिविडेंड, बी इज ए डिवाइजर, क्यू इज ए कोएफिशिएंट एंड आर इज ए रिमाइंडर. सो द बेसिक जो हमने पढ़ा है हमेशा आप जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू आपका डिवाइजर इंटू में क्वेश्चन और प्लस में आपका रिमाइंडर. तो ये जो आपका आपने जो अभी आपका जो यूक्लिड आपका डिवीजन लेमा है इसका हम यूज आगे बहुत वे में करने वाले हैं. सो यहां पे अगर मैं एक और आपको लेना चाहूं, एक पेयर लेना चाहूं, दैट इज 20 एंड आपका 4. तो 20 और 4, सो इस पेयर को भी आई कैन राइट इन दिस वे. किस तरह से, देखिए यहां पे क्या होगा, 20 इज इक्वल टू 4 इंटू में 5 प्लस में 0, राइट. अगेन ए इज इक्वल टू बी इंटू में क्यू प्लस में आर. सो यहां पे जो आर है उसकी वैल्यू आपका 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है. आप यहां पे देखेंगे जो आपका यहां पे इक्वेशन है इसके अंदर वे क्यू एंड आर कैन आल्सो बी 0. तो आपका जो क्यू है, आपका जो आर है वो 0 भी हो सकते हैं, उनकी वैल्यू आपकी कोई भी हो सकती है. इसके अलावा जो आपका आर है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन बी. क्यों, ध्यान से देखिए कि जब हमने यहां पे आपका डिवाइड किया था 7 को 2 से तो हमारा 3 आ गया, यहां पे 6 आया था, तो ये 1 जो है ऑलवेज इससे छोटा आएगा. अगर इससे बड़ा आया तो हम फर्दर भी उसको आगे डिवाइड कर सकते हैं. तो इसका मतलब रिमाइंडर जब भी आएगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं. जो हमारा रिमाइंडर आएगा दैट ऑलवेज बी लेस देन दैट डिवाइजर, वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा. तो यहां पे जो स्टेटमेंट हमने दी है उसमें यहां पे आप देखेंगे ये मेंशन करना, यहां से जो हमने किया है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जो आपका क्यू एंड आर कैन आल्सो बी 0, तो आप देखेंगे यहां पे आर की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है. सो यहां पे जो हमारा बेसिक मैथमेटिकल जो आपका डिवीजन था हमने उसको रीस्टेटमेंट करके उसको यहां पे लिखा, हम उसको इस तरह से भी किन्हीं दो नंबर के लिए हम दिखा सकते हैं, किन्हीं आपके जो पेयर ऑफ नंबर्स हैं उनके लिए. तो इस तरह से हमने क्या जाना, जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है वो क्या होता है, हमने वो जाना. स्टूडेंट अब हम यहां पे जानेंगे कि जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं. यहां पे आप एक क्वेश्चन देखिए, आपको लिख रहा है सो दैट द एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1. अब आपका इवन इंटीजर क्या होता है, जो आपके कोई भी नंबर जो आपका 2 से डिवाइड हो जाए दैट इज कॉल्ड इवन नंबर. और जो आपका 2 से डिवाइड ना हो, यानी कि डिवाइड होने के बाद कुछ रिमाइंडर बच जाए, इसका मतलब वो आपका क्या हुआ, आपका ओड नंबर हुआ, राइट. तो इस तरह से हमने पहले इवन और ओड के बारे में जाना. तो जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि जो आपका इवन नंबर होगा वो किस फॉर्म का होगा, आपका 2q, और जो आपका ओड नंबर होगा वो आपका 2q प्लस 1 फॉर्म का होगा. ये हमें प्रूफ करना है. देखिए स्टूडेंट यहां पे लेट्स सपोज मैं यहां पे दो नंबर ले रहा हूं, इसको प्रूफ करने के लिए हम अपने आप से दो नंबर ले लेते हैं. वन इज लाइक आपका 2, इसको हम बी मान लेते हैं, और यहां पर लेते हैं हम ए, ठीक है. ये दो नंबर हमने लिए ए और बी, इसमें बी को हमने पहले 2 मान लिया. अब जो हमारा डिवीजन लेमा है, जो हमारा यूक्लिड वो हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिए, वो कहता है कि हम इन दो नंबर को एक एक फॉर्म में लिख सकते हैं विच इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, जहां पे जो आपका ए है वो क्या होता है, आपका डिविडेंड होता है, आपका बी क्या होता है,
डिवाइजर होता है और क्यू क्या होता है आपका क्वेशेंट होता है और आपका आर रिमाइंडर होता है, राइट। सो अगर मैं यहां पे टू की वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस में आर। अब यहां पे स्टूडेंट अगर मैं क्यू की बात करूं, क्यू इक्वल टू जीरो हो सकता है और जीरो से आपका बड़ा भी हो सकता है, राइट। इट्स डिपेंड अपॉन कि ए क्या है। अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल की बात करना चाहूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका 9 तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तब क्या होगा, 2 4 8 1 बचा, तो जो हमारा ये क्या है हमारा क्यू दैट कैन बी जीरो एंड जीरो से ज्यादा भी आपका हो सकता है। तो अब यहां पे जो आपका ये आर है, अब यहां पे आर के लिए स्टूडेंट दो केसेस होंगे और वो दोनों केसेस डिपेंड करेंगे हमारे डिवाइजर के ऊपर। किस तरह से, देखिए हमने जो एक एग्जांपल लिया इसमें जो आपका रिमाइंडर बच रहा है 1 बच रहा है। अगर मैं यहां पे आपका 10 लेता हूं और 10 को डिवाइड कर रहा हूं आपका 2 से तब क्या होगा, 2 5 10 0। आपको लगता है इस केस में इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है रिमाइंडर के लिए? बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपका जो रिमाइंडर है तो 0 बचेगा या फिर आपका 1 बचेगा, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमेशा छोटा होता है आपका किससे, डिवाइजर से, राइट। क्योंकि अगर रिमाइंडर डिवाइजर से क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो हम अगेन यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे कि मैं यहां पे लिखना चाहूं अगर, सो मैं यहां पे एक और एग्जांपल लेता हूं, दैट इज 90। अगर मैं 90 को डिवाइड करूं 2 से तो आप ध्यान से देखिए क्या होगा, आपका 2 4 8 1 बचा, हमने कैरी कर लिया 10, तो अभी जो हमारे बचा है वो 10 है और 10 जो है वो 2 से बड़ा है, यानी कि जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है दैट इज ग्रेटर देन द डिवाइजर। तो इसका मतलब मैं यहां पे फर्दर आपका आगे अप्लाई कर सकता हूं, यानी कि 2 5 10, अब रिमाइंडर क्या आ गया, 0। यानी कि जब भी मैं डिवीजन कर रहा होता हूं स्टूडेंट तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, आपका डिवाइजर से। अब जो आपका रिमाइंडर है वो डिपेंड करेगा डिवाइजर पे, और डिवाइजर की वैल्यू क्या है, 2। इसका मतलब जो आपका रिमाइंडर है या तो 0 हो सकता है या वो 1 हो सकता है, ना तो 2 के इक्वल हो सकता है ना 2 से बड़ा हो सकता है। अगर मैं जो डिवाइजर है उसको ले रहा हूं 3, तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट वो ना 3 होगा और ना ही 3 से ज्यादा होगा, क्योंकि हमने जो यूक्लिड डिवीजन लेम में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि जो आपका रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल और 0 से बड़ा होगा और आपका जो बी है जो डिवाइजर है उससे हमेशा छोटा होगा। तो हमने यहां पे कुछ बेसिक चीजें जानी यहां पे जो हमें इसमें यूज करने वाले हैं। तो हमने यहां पे क्या जाना स्टूडेंट कि हमारा जो आर है उसकी इस केस में दो वैल्यू होंगी, या तो वो इक्वल टू 0 होगा या फिर इक्वल टू 1 होगा, राइट। तो 0 कब होगा, 0 कब होगा, अगर मैं आर लेता हूं 0, जब आपका ये जो आपका जो ए है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है किससे, 2 से, यानी कि अगर यहां पे मैं इसकी वैल्यू लेता हूं एट आर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू आपका क्या है, टू क्यू। ये आपको क्या कह रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए ये जो चीज है आपको क्या बता रही है कि यहां पे जो ए था वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया किससे, 2 से, राइट। तभी तो आपका यहां पे क्या आया, ए इज इक्वल टू 2 क्यू, यहां पे कोई भी रिमाइंडर नहीं है, इसका मतलब ये नंबर जो ए है दैट इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि जब हमने दो नंबर लिए थे ए और बी और हमने ए को बी से डिवाइड करने वाली जो फॉर्म है उस फॉर्म में लिखा,
तो हमने देखा कि अगर यहां पे रिमाइंडर जीरो बचेगा, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब जो हमारा ए था दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू, राइट। तो तभी तो हम इसको लिख पाए ए इज इक्वल टू टू इंटू क्यू। अब आते हैं सेकंड केस के ऊपर। जो हमारा सेकंड केस स्टूडेंट वो क्या है कि अगर आर की वैल्यू वन है तब क्या होगा स्टूडेंट, जो ए होगा दैट ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस में आपका वन। अब ध्यान से देखिए कि जो हमने दो नंबर लिए थे ए और बी, बी क्या था उसका डिवाइजर, तो जब डिवाइड हुआ यहां पे तो यहां पे रिमाइंडर बच गया कुछ। अब रिमाइंडर बच गया इसका मतलब क्या है कि जो हमने इस ए को टू से डिवाइड किया था वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो हमारे पास आया ये क्या है आपका, ये एक ओड नंबर है। इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम लेना चाहें तो अगर हम अगेन अगर मैं 5 को ही 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 टू 4 1 बचा, तो 5 क्या है मेरा, 5 मेरा एक ओड नंबर है। सो ओड नंबर को जब भी हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो 1 बचता है, राइट हमेशा 1 बचेगा अगर मैं किसी ओड नंबर को कर रहा हूं। और अगर मैं किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो जो मेरा रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी 0, कभी नहीं बचेगा रिमाइंडर, 0 बचेगा हमारा बस, ठीक है। जैसे कि मैं 4 को डिवाइड करूं 2 से तो क्या आएगा, 2 टू 4 रिमाइंडर विल बी 0। इसका मतलब जो मेरे इवन नंबर है उनको 2 से डिवाइड करने के बाद मेरा क्या बचता है, 0 बचता है। तो ये एक बेसिक नॉलेज है हमारे पास इवन नंबर और ओड नंबर के बारे में। सो हमने जो यहां पे दो पॉसिबिलिटी ली थी, दो नंबर लिए थे, उनका यूज करके हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला कि अगर हमारा इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर, तो वो इस फॉर्म का होगा 2q, और अगर हमारा ओड नंबर है तो वो हमारा इस फॉर्म का होगा जो आप नीचे देख पा रहे हैं 2q प्लस में 1, राइट। तो गाइज इसका जो इस्तेमाल हमें करना है वो हम बहुत चैप्टर में करने वाले हैं, राइट। हमें पता होना चाहिए कि आपका जो अगर हमें बेसिक एक टर्मोलॉजी में लिखना है, एक बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है कि आपका क्या होता है एक ओड नंबर और क्या होता है एक इवन नंबर, तो हम यहां पे इस तरह से दिखा सकते हैं। और क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, आप कुछ भी लीजिए, यहां पे क्यू की वैल्यू 1 लीजिए, 2 लीजिए, 1 लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो ए है 2q दैट इज ये पूरा शो कर रहा है आपके जितने भी आपके इवन नंबर है, और जो ये 2q प्लस 1 है ये शो कर रहा है कि जो आपका क्या ओड नंबर्स है। तो इस तरह से हमने ओड नंबर और इवन नंबर को हम किस तरह से जो आपका यूनिट आपका जो यूक्लिड डिविजन लेमा है उसके हम निकाल सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं, उसको हम प्रूव कर सकते हैं कि आपका जो इवन नंबर है वो आपका 2q होगा और जो आपका ओड नंबर है आपका 2q प्लस 1 होगा, हमने वो जाना।